वेलकम टू डेली न्यूज़ 24। सीएल ससुराल सिमर कटू के आने वाले एपिसोड में आपको काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब होने वाला है सिमर और आरव के बीच काफ़ी बड़ा झगड़ा। साथ ही साथ यहाँ पर आरव और विवान दोनों होने वाले हैं सिमर के खिलाफ। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर आप देखेंगे जब विवान सिमर और आरव के कमरे में पहुँचता है और वो आरव और सिमर से सारी सच्चाई पूछता है कि क्या सच में रीमा ने उसे इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर विवान के बात सुनकर सिमर और आरव दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, जिसके बाद आरव विवान को सारी सच्चाई बता देता है कि वो सब कुछ जानता था। रीमा ने उसे बताया भी था कि वो इस घर में सिर्फ उससे शादी करने के लिए आई है। और यहाँ पर आरव की बात सुनकर विवान और भी ज़्यादा टूट जाता है, लेकिन यहाँ पर सिमर विवान को समझाने की कोशिश करती है कि ये सच पूरा नहीं है। अब उसकी रीमा दी बदल गई है, उनकी अच्छाई ने उसकी रीमा दी को बदल दिया है। लेकिन यहाँ पर विवान सिमर की एक भी बात नहीं सुनता है, वो काफ़ी ज़्यादा रोता है, वो फूट फूट कर रोता है और वो यहाँ पर पूरी तरह से टूट जाता है। और ऐसे अपने भाई की हालत देखकर आरव सिमर के सामने उसकी बहन को यानी कि रीमा को काफ़ी कुछ बोलने लगता है। यहाँ पर आरव सिमर सब बोल देता है कि अच्छा ही हुआ कि वो धोखेबाज लड़की उसके भाई की ज़िंदगी से चली गई, उसकी बहन उसके भाई को धोखा देकर चली गई। और यहाँ पर आरव के पास सुनकर सिमर को गुस्सा आ जाता है। सिमर आरव से बोल देती है कि वो उसकी बहन के बारे में ये सब नहीं बोल सकते हैं। और सिमर की बात सुनकर आरव काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर सिमर और आरव के बीच काफ़ी बड़ी बहस हो जाती है। यहाँ पर सिमर ये बोल देती है कि वो ये साबित करके रहेगी कि उसकी रीमा दी बदल गई है। और इसी के साथ यहाँ पर सिमर आरव से ये भी बोल देती है कि वो अपनी दी को बचा कर जरूर लाएगी, क्योंकि वो जानती है कि उसकी रीमा दी किसी न किसी मुसीबत में है। लेकिन यहाँ पर आरव सिमर की बात नहीं सुनता, वो सिमर से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर सिमर हार नहीं मानती है, वो ये ठान लेती है कि वो अपनी रीमा दी को वापस ला कर ही रहेगी। अब देखना दिलचस्प होने वाला है आखिर यहाँ पर सिमर क्या करने वाली है, कैसे वो रीमा को बचाने वाली है, देखना इंटरेस्टिंग होगा। सीएल ससुराल सिमर का 2 से जुड़ा इस लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें।